बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट ड्राइंग, पेज नंबर 18। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्यूलिप फ्लावर की ड्राइंग करेंगे, वाटर कलर करेंगे डिफरेंट टोन्स की। उसके लिए हमें येलो वाटर कलर, रेड वाटर कलर और ग्रीन वाटर कलर की ज़रूरत होगी। तो हम स्टार्ट लेते हैं। कलर हमने आहिस्तगी के साथ करना है। ताकि हम जो एरिया हमें दी गई हैं उसे हम कलर ना निकाल पाएं। अब हम इस रेड के साथ थोड़ा येलो मिक्स करेंगे। यहाँ भी हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ब्रश साफ़ करके
ग्रीन कलर हम लेंगे। नीचे से हम स्टार्ट लेंगे। ये हमने लीफ में ग्रीन स्टार्ट कलर स्टार्ट किया है। फिर हम अगले लीफ में कलर देंगे। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको वाटर कलर दे दिया है। वाटर कलर देने के बाद हम इसे पंखे के नीचे या धूप में रखेंगे ताकि वाटर कलर खुश्क हो जाए। रेड वाटर कलर के साथ हमने थोड़ा येलो वाटर कलर जो है तो वो मिक्स करना है, ये अंदर की शेडिंग के लिए। उसके बाद हमने ग्रीन वाटर कलर कर लिया है, फिर हमने धूप में या पंखे के नीचे रख के उसको सुखा देना है। उसके बाद हमने वाटर कलर से मार्कर से हमने, जब वाटर कलर खुश्क हो जाए तो इसकी जो आउटलाइंस हैं वो हमने ब्लैक मार्कर से बना देने हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप भी पेज नंबर 18 पर ट्यूलिप फ्लावर जो हैं तो उसकी ड्राइंग करें वाटर कलर के साथ। वाटर कलर के साथ इसकी ड्राइंग जो हैं वो करें, जब खुश्क हो जाए तो आउटलाइन ब्लैक मार्कर से दे दें। इसी तरह हमारा पेज नंबर 18 आज कंप्लीट हो गया है। आप भी अपने कॉपी में खूबसूरती के साथ वाटर कलर दे दें और फिर खुश्क होने पर अपनी कॉपी जो हैं तो वो सही अपने यानी बंद करके रख दें और फारिग टाइम देख के स्कूल आके अपनी कॉपी जो हैं तो अपने टीचर से बर वक्त चेक करवाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी क्लास जो हैं तो वो आज यहाँ पे ख़त्म होती हैं। क्लास के एंड पर अल्लाह हाफिज़।